प्रिय दर्शक बंधु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धुनेक शिवालय कार्यक्रम में आपको स्वागत जनावि आज आस आम पहुँचे डुंगी ग्राम से टीकावली हूँ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट गोटे ब्लॉक यह फुलवाणी 40-42 किलोमीटर दूर से अवस्थित भुवनेश्वर महादेव पीठ से आज आस आम पहुँचे तेना दर्शक बंधु आसतु आम परेश बुला श्री श्री भुवनेश्वर महादेव दर्शन करवा एवं पचारि बुझा एठिकार पूजक महाशय ठार भुवनेश्वर महादेव महिमा उपाय दर्शक बंधु आम सहित अच्छा प्रताप किशोर महापात्र से होती टीकावाली निवासी एवं ये भुवनेश्वर महादेव पूजक आज्ञा भुवनेश्वर महादेव आविर्भाव को लेकिन कौन पुरातन तथ्य रही कौन लोककथा रही पुरातन विषय तो आज्ञा कि आम जापरुन कि ये उत्पत्ति हमारे आम जी जानू देश वर्ष पुनरुद्धार पुनरुद्धार 150 वर्ष आज किए तक पुनरुद्धार करते पुनरुद्धार गोटे मबाड़ी जो आते रास्ता सर्वे कर सी पुनरुद्धार कर सी कौन देखिपारे जना पड़ा जा महादेव अच्छा स्वप्न देश है लोक कहते मुझे तो प्रकृत तथ्य जानी आज अच्छा से प्रथम आसिक देखिले कौन थी कमी तार किसी लोक स्मृति रही पूरा गोटे जंगल जंगल होते खोलाखोली ये सी है प्रकृत जिन तार सिस्टम सब जगह जना पड़ा प्रकृत ठाकुर जगह भी सी जान ला महाभारत समय द्वापर युग में कृष्ण अर्जुन ये सब आस दर्शन करते किंवदंती अच्छे आज भुवनेश्वर पर्वत अच्छी गोसीय दंत्य राज्य आज्ञा गोसीय दंत्य आम फुलवाणी जिले में सीमार पुणे मारी खबर होोसीय दंत्य से बारुणी स्नान करन किलोमीटर दूर गोटे पत्थर मारिक अर्जुन पत्थर मारे पा का सेठ बारुणी स्नान होकर भुवनेश्वर दर्शन करवदंती ये तो गोटे किंवदंती भुवनेश्वर पार्श्वे रामेश्वर अच्छा पार्वती ठाकुराणी अच्छा गुप्तेश्वर जलेश्वर धवलेश्वर एमती पंचलिंगेश्वर अच्छा तो ये पीठ को आम पंचलिंगेश्वर गुप्तेश्वर जलेश्वर रामेश्वर आज जन धवलेश्वर धवलेश्वर ता सहित भुवनेश्वर पंचलिंगेश्वर पार्वती ठाकुर भुवनेश्वर पार्श्वर अच्छा शिवरात्रि शिव संबंधित छाड़ी देवी पाखे कौन कौन पूजा व्रत पालन कर आश्विन मास नवरात्रि पूजा जोटा को आम दशहरा दशहरा चैत्र मसरे बासंती पूजा बासंती पूजा तीन दिन लगे हम आज आश्विन मैसे नवरात्रि पूजा नवरात्रि पर जो पीठ से दशहरा पालन कराए ये देवी शैव पीठ है देवी जेहेतु अच्छा ये किसी बलि प्रथा अच्छे कि नहीं बलि प्रथा से कहीं यार प्राधान्यता शैव पीठ को दिया यार पीठ देवता हाँ शिव तेणु शैव पीठ महात्म्य रखा जाए खाली पार्श्वदेवी हिसाब से ठाकुराणी अच्छा आदि पर्यटन आज्ञा पिज रसुण ये परिवेश पशी आगे पशिवार संभावना अच्छे कि नहीं जिन नमो शिवाय महादेव संभो कुलेश्वर देव प्रतिष्ठित लिंग ठाकुर ब्रह्म देखिए ये हूँ देवता देव प्रतिष्ठित लिंग प्राय था अच्छा देव प्रतिष्ठित लिंग जो मैंने देवता मैंने जहाँ प्रतिष्ठा कर प्रतिष्ठा करती आज्ञा ठाकुर कौन अच्छे आज्ञा ठाकुर देखते आज्ञा ये कौन जो अष्टकोण ठाकुर अष्टकोण 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 जी है विष्णुकोण आज्ञा विष्णु अष्टकोण भुवनेश्वर पाखे विष्णु कोण अष्टकोण अच्छे चतुर्कोण बाहर से ब्रह्मकोण आज ठाकुर सप्त
सुरोद्धवान्मणि प्रभातवन्न कुङ्कुमं द्रवपवित्त दिग्बभोमुखे मदन्न सिन्दूरकरतरत्तरीयनि दुरे मम विनद्दवन् भूतं विभूत भूत भक्तरि। एटा होची पुरातन शैवपीठ जोटा हजार हजार वर्षर कृति आउ आमर ये प्राय आठश मसीहा पूर्वर ये होता आईपटे आमर पांडव मान सब जाते पांडव मान कीर्ति बोल कि आम जहाँ विचार कर सब लोक विचार चलती आउ बहुत पुरातन कीर्ति पुरातन पथर मध्य खोल मूर्ति अच्छे आउ ये बहुत जोगी ऋषि मान साधना करते तेणु ये आम से कुंभी वृक्ष जो बकल जो अच्छी वृक्ष जाक रही कुंभी वृक्ष आतक गस ये जो पानी निर्मल हम ये गच्छा कुंभी वृक्ष जो बकल से जोगी ऋषि मान से जगह ये साधना पीठ गोटे थी। दर्शक बंधु को कहतु आप जो सेवा भुवनेश्वर महादेव अच्छा एठिकार पूजा केत आरंभ हुए कौ कौ विधि पूजा कराए कौ समय ठाकुर पाखे कौन कौन सब प्रसाद अर्पण कराए प्रथम ठाकुर कौ समय स्नान छा सका छटे स्नान स्नान पर ठाकुर मार्जना पंच पंचम ऋतु स्नान हुए ठाकुर फूल दीप ये सी देखे बाड़भोग हुए चूड़ा हूँ खई हूँ जेकोसी बाल हुए बारटे ठाकुर अन्न भोग हुए अन्न ही ठाकुर को पकड़ पड़े अन्न सहित आउ कौन हुए अन्न भात डालमा खटा भजा जमी कौन कौन से गोटे लिमिट किसी ना मान जो जजमान मैंने जहाँ दिखते ठाकुर से आस्तिक संपत्ति किसी ना लोक निर्भर कर चलिया कथा बोले जहाँ आसला श्रद्धालु धरिकी आसे ठाकुर अर्पण कर सन्या बाड़धूप हो सन्ध्या आरती ठाकुर स्नान बाड़धूपक हो ठाकुर अच्छा ये कौन कौन सब पर्वपर्वाणी पालन कर पर्वपर्वाणी देखते कार्तिक सोमवार चार सोमवार जगह कार्तिक पूर्णिमा दीपावली आउ गर्भणा संक्रांति शिवरात्र आने प्रति बार मस संक्रांति पर्वटा अधिक दर्शक बंधु भुवनेश्वर महादेव पीठ को आम आँचल आमर पूजक महाशय ठारु यार तैतिक विषय पचारि बुझिले तेणु दर्शक मान तरफ ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ आपन को बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊ जीवन जंजाल भितर किसी समय काढ़ी जदि आम शैवपीठ को आसते एटी किसी समय निजर मन बुद्धि को परमात्मा सहित से शिव सहित जोड़ते तेल से शिव सदाशिव परमात्मा आम मनर दुख क्लेश दूर करने सहित आम सुख शांतिमय जीवन जापन करते आम सुख शांति रे सुंदर रूपे सुंदर समाज टे गढ़ी एवं सुंदर विश्व टे गढ़ी हेब तेणु सुंदर विश्व टे गढ़ापी हेले आम भितर आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर आम शैवपीठ को बारंबार भ्रमण कर आसवा और निज भितर आध्यात्मिक जागृति करवा। ओम शांति। प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाई भोनी माने टीकावाली रो ई पवित्र पीठ पवित्र भोला शंकरंकर आराधना पीठस्थली रे आमे तांकर महिमा तांकर गुण तांकर से दिव्य कर्तव्यर गाथा शुणिले पवित्र स्थान को दर्शन कले आम मनर भक्ति आम उद्वेग आम ये चिंतन निश्चिंत से परमात्मा निकट में पहुँची सारी थी तेणु परमात्मा दिव्य नाम भोला शंकर एक महान कर्तव्यर तंकर एक महान गुणर परिचय दिए वास्तविक अनेक समय रे आम शिव एवं शंकर को एक भावी पूजा आराधना करुचे किंतु यार वास्तविक ज्ञान हूँ शिव एवं शंकर भितर पार्थक्य रही शिव ही हूँ सर्वोच्च परमात्मा परम आत्मा सबु आत्मा पूज्य परम आराध्य परम पूज्य जी रामेश्वर जी कृष्णेश्वर जी शंकरेश्वर से ही भोला परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव किंतु शंकर देवता जी विनाशर निमित्त मात्र
तेणु आम अनेक समय भक्त मैंने एक बुद्धि भावि नहीं था शिवहम अनेक गुरु सन्यासी विभिन्न विद्वानवित मान संकल्प आम मन मध्य शिवहम अर्थात मु ही शिव माँ संसार शिवमय किंतु वास्तविक शिव ये परमात्मा को दर्शा जाइए तेणु शिवहम कहवा अर्थात मु ही भगवान हो गली जदि समस्ते आम भगवान हो गले ताहले पिता एवं पुत्रर संपर्क आसिले कौठ आम एक गायन करूचे तुम मात पिता हम बालक तेरे जदि आम समस्ते शिव हो गले समस्ते आम भगवान परमात्मा हो गले ताहले एठी पिता और पुत्रर कौन कारण रोचे आम गायन करूचे तुमेव माताश्च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तेणु निश्चिंत रूप से आम समस्ते संतान बा पुत्र किंतु सी आमर पिता तेणु परमात्मा एक अभिन्न अद्वितीय एकेश्वर सत्ता तेणु से होचंदी निराकार ज्योतिष स्वरूप हाँ भगवान गुण आम भितर अच्छी भगवान स्वरूप आम मध्य रही अर्थात आत्मा जेभली ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा ठीक से भली देखापी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप किंतु भगवान तो ज्ञानर सगर गुणर सगर शांतिर सगर कहीं आम मध्य तो से शांति प्रेम आनंदर सगर लहरी आम उपलब्धि करे तेणु परमात्मा हेले अलग आत्मा हूँ एक अलग सत्ता तेणु शिवहम शब्द ये संपूर्ण एक भ्रमात्मक शब्द तेणु समस्ते शिव नुहंती आमे आम मध्य से शिवंकर गुण को धारण करी संपूर्ण रूपे शिव तो हो पारा ना बा भगवान हो पारे ना भगवान प्रिय पात्र हो पार समकक्ष अति निकटतर प्रिय हो पार तेणु शिवहम शब्द एक संपूर्ण भ्रम शब्द जहाँ को आम संशोधन कर सियामर पिता आम पुत्र यही स्मृति को धारण करवा एवं शिव मंदिर रे सर्वोच्च मंत्र रूप से आम शिव पंचाक्षर मंत्र को नहीं था शिव पंचाक्षर मंत्र ही आमको सिद्ध करुची जे आत्मा परमात्मा भिन्न सत्ता एवं आत्मा सबुबले परमात्मा को प्रणाम करे बा नमस्कार करी थाए ओम शब्दर अर्थ मु आत्मा शांत स्वरूप बा मु गोटिए ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा ओम अर्थात मु आत्मा नमः अर्थात नमस्कार करुची शिवंकु अर्थात मु आत्मा से परमात्मा को प्रणाम जनाऊची नमस्कार करुची मोर भक्तिपूर्त श्रद्धांजलि अर्पण करुची तेणु वास्तविक ओम नमः शिवाय मु आत्मा प्रणाम करुची बा नमस्कार करुची परमात्मा को तेणु आत्मा ही भिन्न परमात्मा भिन्न तेणु ये जो मान्यता मध्य आम भितर रही जाए आत्मा ही परमात्मा तेणु यह जुक्तियुक्त नुहे यथार्थ नुहे तेणु आत्मा सृष्टि रे अनेक परमात्मा एक तेणु से परमात्मा होचंती निराकार ज्योतिर्बिंदु भोला शिव तेणु एक गायन करूचे शिव का भंडारा भरपूर कालकंटक दूर जदि आम कहे शिव परमात्मा का भंडारा भरपूर कालकंटक दूर जदि आम पिता हेले सागर भंडार तांकर भरपूर अच्छी तबे आमे मान कौन निज जीवन रे सुख शांतिर भंडार भरपूर अनुभव करुछे आम जीवन रु दुख अशांतिर कालकंटक दूर हो गला ना आम जिते भी भक्त आज भोला शंकर पवित्र पीठस्थल पहुँचीचे आम कौन समस्ते से पापरु से दुखर से संतापर मुक्त हो गला आम जीवन रु से काल से कंटक दूरीभूत हो गला ना कहीं ना परमात्मा केउ भंडार को भरपूर करती से केउथिर भंडार ताकू आम संपूर्ण रूपे जानीपारुने परमात्मा ज्ञानर सगर गुणर सगर रूप से बिंदु हेले से सर्व गुण से सिंधु अटंती तेणु यही महिमा को आम जिते जाणवा तेब जो विधि परमात्मा आमको बताऊँच मा मार्गदर्शन कराऊंट से विधि द्वारा आम जिते स्मरण करवा तेब निश्चिंत रूपे आमर कालकंटक दूर हो आत्मार भंडार भरपूर होर्थात मन बुद्धि संस्कार ये तीनोटी हूँ आत्मार तीनोटी इंद्रिय किंतु आमर मन आज संपूर्ण खाली दिव्य गुण रहित बुद्धि रे दिव्य चेतनार अभाव संस्कार रे दिव्य संस्कार रे संपूर्ण अवलुप्त हो जाए तेणु जिते बड़े आम निज को से ज्योतिर्बिंदु आत्मा
मु परमात्मा को संतान मु परमात्मा नुहे मु शिव नुहे मु से शिवंकर संतान ए स्मृति रे शरीर रो भ्रुकुटी मध्य रे चमकुथिबा एक दिव्य ज्योति बिंदु ए भावना को आनी परमात्मा मध्य निराकार ज्योति स्वरूप जी मु आत्मार सत्य शाश्वत पिता परम धाम निवासी तांकु मने पकेबी बा मो मन बुद्धि रो तार सेठी जोड़ीबी तांकर निकट रे जो शांति प्रेम आनंदर सगर भरपूर हो रही तार स्रोत स्वतः मो मध्य को आसब यह मध्य रही एक महत्तर सत्ता को आम जो मन पक से सत्तार गुण रूप धीरे धीरे आम भितर सन्निवेशित होगाक लगे तेणु यही सिद्धांत अनुजाई परमात्मा स्मरण द्वारा आम मन बुद्धि एवं संस्कार दिव्यता परिप्रकाश होब जाद्वारा आमर मन आज जो चलचंचल होलचंचल न हो स्थिर होब एवं आमर बुद्धि आज जो आमको ठीक डिसीजन नद बेले बेले आमको कुबुद्धि विपरीत बुद्धि आम परिचालित हो जाऊे आम बुद्धि सब बेले आमको सत् रास्ता ही देखेब सत् बेक आम परिचालित हो पारा एवं आमर आज जो संस्कार कुसंस्कार हो जाए लड़ई झगड़ा दुख अशांतिर संस्कार हो जाए धीरे धीरे आम संस्कार सुसंस्कारित हो दिव्य संस्कारित हो आम जीवन एक दिव्य जीवन हो पार आ मन बुद्धि संस्कार संयमित हो गला दिव्य हो गला से जीवन रे संपूर्ण रूपे सुख शांति आनंद को अनुभव कर पार यही भाव आम जीवन कालकंटक को दूर करी आम सकल दिव्य ज्ञान दिव्य गुण एवं दिव्य शक्ति रे निजर बुद्धि रूपी भंडार को आत्मा भंडार को भरपूर करी परिबा एवं परमात्मा को आम भोला इथिपाई कहुचे जी ए कम समय रे प्रसन्न हो जाती एवं अनेक समय पाई प्राप्ति कराई दियंती तेणु यह एक बहुत खुशीर कथा आपण मानक आम शुणु जे परमात्मा से निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप भोला सी आज आम समस्त भक्तर मनवाचा पूर्ण करने परम धाम धरापृष्ठ को अवतरण कर प्रत्यक्ष रूप से आम समस्त काल को दुख को अशांति को दूर कर आम आत्मा से ज्ञान गुण शक्ति प्रवाहित करोचंती सहित जोगस्थ हबार रास्ता बतौचंती मंदिर को आम आसुचे भक्ति प्रणाम तो करुचे सत यह भक्ति मार्ग बा आम मनर भक्ति को आम प्रदर्शन करुचे किंतु भक्तिर फल हेउची सत् ज्ञानर प्राप्ति बा परमात्मा प्राप्ति तेणु आम प्रकृत भक्त हो भक्तिर फल निश्चिंत प्राप्त करने चेष्टा करवा आज भगवान आसी आमको जो दिव्य ज्ञान दौंती धारण करी आम जीवन रे से परमात्मा निकट रे जोगस्थ हो मन बुद्धि केन्द्रीभूत कर से शक्ति प्राप्त कर जीवन समस्त दुख अशांति को दूर करवा तेणु हे मोर आध्यात्मिक प्रेमी भाई भूनी माने यही संगम जुगरे कली जुगर शेष समय रे यही सुवर्ण मुहूर्त रे आमे समस्ते दृढ़ संकल्प नवा आज ठारु निज को एक आत्मा बोली भाविबा केबे भी मु आत्मा मु परमात्मा बा मु शिव ए ज्ञान बुद्धि रु दूरे दे मु भगवान कर संतान मु तांकर गोटे प्रिय संतान ए स्मृति रे रखी तांकर निकट रे मनोनिवेश करिवा एवं धीरे धीरे मनोविकार को तांकर निकट रे समर्पण करी ए संगम जुगर कम समय को आम जदि तांकरी प्रेरणा रे तांकरी निर्देश रे परिचालित करिवा तेबे सत्य युग त्रेता युग आगामी भविष्य दुनिया रे आम निश्चिंत एक सुंदर दिव्य जीवन को प्राप्त करिवा सह वर्तमान समय रे मध्य सबुठारु श्रेष्ठ प्राप्ति विभु प्रेम अतीन्द्रिय सुख एवं से परमात्माकर सान्निध्य ताकु मध्य पाई परिबा तेणु आसंतु आम आज समस्ते ये भोला शंकर मंदिर रे दृढ़ संकल्प नवा ये पवित्र पीठ को साकार कर देखेबा आम मध्य से भोलानाथंकर भोला संतान होई समस्त को सही स्नेह प्रेम सरलतारे बांधि दवा एवं समस्त कल्याण निमन्ते आम एक आदर्श जीवन गढ़ी अन्य को से रास्ता रे अभिमंत्रित करिबा आपण मानकु समस्त को सेथिपई सदिच्छा शुभकामना एवं हार्दिक निमंत्रण ओम शांति। Thank you.
ଡୁଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ଟିକା ପାଲି କନ୍ଧମାଳ ଥିଲା ବାବା ଭୋଳାନାଥ ତହି କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ଡୁଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ଟିକା ପାଲି କନ୍ଧମାଳ ଥିଲା ବାବା ଭୋଳାନାଥ ତହି କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ଡୁଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ଟିକା ବାଲି ନାଗନ ଗୁଣୀ ଘୋର ଅରଣ୍ୟର ଶୋଭା ଫୁଲିତ ହୁଏନି ଜାଗର ରାତିରେ ଭକ୍ତ ଜାଗର ରାତିରେ ଭକ୍ତ ଯାଇ ଦୀପ ଜଳା ଡୁଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ଟିକା ବାଲି ପିତା ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖେ ଶିବଙ୍କ ବାରତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସତା ସେ ଜ୍ଞାନ ଲଭିବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲଭିବା ପାଇଁ ତୋର ମନ ବଳା ଡୁଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ଟିକା ବାଲି ଜୀବନ ଲଭ ଖୋଲି ଜ୍ଞାନ କାଲା ଡୁଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ଟିକା ବାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାବା ଭୋଳାନାଥ ତହି କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ଡୁଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ଟିକା ବାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାବା ଭୋଳାନାଥ ତହି କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ଡୁଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ଟିକା ବାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାବା ଭୋଳାନାଥ ତହି କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ଡୁଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ଟିକା ବାଲି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଭକ୍ତି କରିଆସୁଛେ। ଭକ୍ତିର ଶେଷ ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ।
प्रकृतिर तम प्रधानता एवं पांच तत्वर तांडव लीला आखि आगे झलसी उठी। अन्य पार्श्वरे स्वयं परमात्मा धरापृष्ठ से अवतरित हो आमर ज्ञानचक्षु उन्मोचन करवर्तन यही घड़ी सन्धि मुहूर्त आसतु आम समस्ते सजग हो उठा निष्ठार सह निराकार ज्योतिबिंदु परमात्मा शिव को भक्ति करुवा भक्त मान ईश्वरीय ज्ञान प्राप्तिर सुवर्ण मुहूर्त उपनीत परमात्मा शिवंर प्रकृत परिचय पाई ज्ञान ने निज जीवन को उद्भासित करवा अज्ञानता रूपक अंधकार ज्ञान लोकर अभिमुखी होगा निजर सत्वप्रधान संस्कार गढ़वे आसतु व्रती हवा आमर ये प्रचेषा आपण मान मन प्राण को उद्बुद कर आशा एवं विश्वास ओम शांति।